गुरु जी, तीसरी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता के बारे में कुछ बताएं। प्रिय भक्तगणों, परिवर्तनशील जगत की अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि और ह्रास तो सदैव होता रहता है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, यानी कि शक्ति का ह्रास ज्यादा होता है और वृद्धि कम होती है, तब माँ छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। माँ भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान के लिए गईं। स्नान के उपरांत भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं, यानी कि उनकी क्षुधा अग्नि से पीड़ित होने के कारण उनका रंग कृष्ण वर्ण हो गया। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब उनकी सहेलियों ने उन्हें भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सहेलियों ने उनसे विनम्र स्वर में कहा, माँ तो अपने शिष्यों का भूख लगने पर अविलंब खाना प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपनी सहेलियों की मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना सिर काट दिया। वो कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आकर गिर गया और उनके कबंध से रक्त की तीन धाराएं निकलने लगी। वे दो धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी गई, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती माँ सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, इस समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति, दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए माँ छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष को की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाहीन ही इनके वस्त्र हैं, यानी दिशा जो है वो इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहेलियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का योग शास्त्र में तीन ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है, योगियों का ऐसा अनुभव है। मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है, उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिंता चिदानंद की स्थूल रति है। ब्रह्म दारण्य की अश्व शीर्ष विद्या, शाक्तों की है ग्रीव विद्या तथा गणपतियों की छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यप, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं।
श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपने लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंधों में, लव अफेयर्स में खटास आ गई है? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। गुरु जी, क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? प्रिय भक्तगणों, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, जिसे आप जन्म पत्री भी कहते हैं, वह आपके जन्म की तारीख, जन्म के समय और जन्म के स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। अगर यह सब चीजें हमें सही पता है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली हमें सही रूप से बनी हुई प्राप्त होती है या हम सही रूप से आपके समय के हिसाब से बना लेते हैं, तो उसके पश्चात आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। भगवान शिव ने इस बारे में माता पार्वती को विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से बताया है। आपकी यह समस्या चाहे भाग्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो, शादी से संबंध रखती हो या तलाक से संबंध रखती हो, व्यापार की उन्नति से संबंध रखती हो या आपकी नौकरी के प्रमोशन से संबंध रखती हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। नॉर्मली जो देखा गया है, मंदिर में बैठने वाले जो हमारे पंडित गण हैं, वह हमें विभिन्न प्रकार के जाप करवाने की सलाह देते हैं, जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मगर भगवान शंकर ने माता पार्वती को ऐसी पूजा के लिए बताया था कि वह अगर जिसके पास सामर्थ्य ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, वह ऐसी पूजा कराए जिसके पास धन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वह उससे संबंधित अगर ग्रहों की मंत्र से सिद्ध की हुई मुद्रिका जागृत कराकर, उस ग्रह को जागृत कराकर उस मुद्रिका के अंदर, अंगूठी के अंदर, रिंग के अंदर या पेंडेंट के अंदर या ब्रेसलेट के अंदर वह धारण करता है, तो उसे उसके पश्चात किसी भी प्रकार की विशेष पूजा या जाप इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और योग्य विद्वान से संपर्क करके आप उन्हें अपनी जन्मपत्री दिखाकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। चाहे वह समस्या आपकी बीमारी की ही इससे संबंध क्यों ना रखती हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, यहां तक कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हमसे संपर्क करते हैं और अपनी घरेलू या अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर हमसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। तो आप भी जरूरत पड़ने पर हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या हमारे फोन नंबर 4505171710 पर या मेरे मोबाइल नंबर 9818144257 पर जाकर हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए उचित उपाय जान सकते हैं, उनका उचित समाधान जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं, अपने दुखों को, अपनी दरिद्रता को मिटा सकते हैं।
जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं। अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपने ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनि देव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग पेपाल के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।